जो दूसरे को नीचा गिरा के खुद ऊपर उठे, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भाई एलवी शर ने बहुत पैसे फूक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे हो गए। तो एलवी शर्मा ट्विटर पर लाइव आए थे पहली बार, वो भी बिग बॉस के बाद। और वहां पर एलवी शर्मा ने बहुत सारे बंदों को बहुत सी बातों का जवाब भी दिया। आपको तो पता ही होगा कि बिग बॉस के अंदर फुकरा इंसान ने एलवी शर्मा के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि एलवी शर्मा की टीम उनके अपोजिट में मतलब नेगेटिविटी फैला रही है। जो उनके दोस्त यार थे वो फुकरा इंसान के प्रति बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो वो आज इस चीज का जवाब देने वाले हैं, क्या सचमुच में उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को पैसे दिए थे वोटिंग करवाने के लिए। और उसके बाद एलवी शर्मा ने बिग बॉस के अंदर की भी कुछ बहुत ही पर्सनल बातें बताई हैं। और आपको ये भी पता चलने वाला है आगे वीडियो में कि एलवी शर्मा इंस्टा पे कब लाइव आने वाले हैं। तो एलवी शर्मा आलिया भट्ट के ऊपर भी बात बताने वाले हैं। तो ये लाइव स्ट्रीम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की थी, तो मैंने आपके लिए मेहनत करके कुछ क्लिपें जो इम्पोर्टेंट क्लिप थी वो निकाली है। आप सुनो, कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी कौन सी नहीं लगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है, इतनी मेहनत करी है आपके लिए। तो पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एलविश भाई, एलविश भाई, जी भाई, भाई एक बात बोलनी है भाई, लव यू भाई, लव यू बहुत प्यार है भाई। भाई भाई पूरा सिस्टम हैंग कर दिया यार, भाई क्या बताऊं यार, सिस्टम ही हैंग है भाई, मेरे को कुछ वर्ड्स नहीं है इस टाइम पे। लव यू है आपको एलविश भाई। यहाँ पे ना ट्विटर पे बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे भाई जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी आपके लिए, उनके लिए भी बोल देना, बहुत रात दिन तक सारे फैन पेजेस को भाई मेरा थैंक यू। और मैं मतलब एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, ट्विटर अकाउंट जिन जिन ने मेरा सपोर्ट करा, एलविश आर्मी ने, सबका बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। जो मतलब समझ रहे हो ना कि रैंडम भाई ने भी बहुत हेल्प करी, हमेशा खड़ा रहा दिल से, उस भाई को भी थैंक यू। और अपने लोगों को थैंक यू नहीं बोला जाता भाई। नहीं नहीं भाई, फिर भी यार मतलब मेरे पास शब्द बहुत कम है, खत्म हो गए मेरे पास शब्द, बट फिर भी मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मैं बिल्कुल करूंगा। और सबका प्यार मैंने देखा है और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं चीज़ों के लिए। आप लोग हो तो मैं हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई हेट वगैरह किसी को भी मत देना, और कोई दे तो भाई उसको इग्नोर करो, बस पॉजिटिव रहो, सब ग्रो करो अपनी लाइफ में। लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट पीपल, समझ रहे हो। एलविश भाई, जो मनु पंजाबी ने एक बात बोली थी ना कि घर के अंदर गए आप और एक ऐसा लगा कि अपना बंदा घर में गया है, वो वाली वाइब बिल्कुल सच थी कि लगता था कि एक हमारे जैसा बंदा है हमारे बीच से उठ के चला गया, अब इसको ही जिताना है और कोई जीतने लायक भी नहीं है, मतलब बिल्कुल आपके अलावा कोई नहीं है। भाई, तुम्हारे में से ही हूँ मैं भाई एक, और तुम्हारे बीच से। बिल्कुल सो जिन जिन भाइयों ने भाई ट्रेंड कराया, क्योंकि ट्वीट करना यार, मैं जैसे अभी ट्विटर पे काफी इनएक्टिव हूँ, तो आप लोग इतना साथ देते हो, ट्रेंड कराते हो, आप बता रहे 5-5 मिलियन ट्वीट चले जाते, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत शुक्रिया भाई आप सभी लोगों का। मेरा आपसे एक ही सवाल था, आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था बिग बॉस की आपकी जर्नी में? यार बेस्ट मोमेंट मेरे लिए ना, मतलब वैसे तो सारे थे, मतलब कुछ वैसे भी थे खराब वाले, बट बेस्ट मोमेंट वो था जब मेरे फादर साहब आए थे। मतलब वेट कर रहा था मैं कि मेरा कोई फैमिली मेंबर आएगा घर में, क्योंकि सबके आ चुके थे। और एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे फैमिली वीक हुआ उसमें स्टार्टिंग वाले दिन में अभिषेक की मदर आई और भी लोग आए काफी, तो मुझे लगा कि मेरे मेरे घर से भी कोई आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोई आया नहीं। फिर अभिषेक की मदर ने बताया कि वीकेंड के बारे में सलमान भाई ने बोला कि कुछ लोगों की फैमिलीज आएंगी, मतलब कुछ जो वर्ड बोला था ना, कुछ लोगों की फैमिलीज आएंगी, तो मुझे लगा वो कुछ में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी से ऐसे वीडियो कॉल करा दी और उस टाइम नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, सबके घर वाले आ गए और मेरे घर वाले नहीं आए। तो और उसके बाद अगले दिन जब मेरे फादर साहब आए तो बहुत एनर्जेटिक फील हुआ मेरे को, और वो था मेरा मतलब बहुत अच्छा मोमेंट कि जिसको मैं भूल नहीं सकता। एलविस भाई, गेम क्या, गेम आपको अंदर कैसा लगा, मतलब अंदर थे आपने गेम बीच में, हमने देखा आपको, आप थोड़े एक बार टूटे भी बीच में, फिर आपने अपने आपको समेटा, फिर आप एक बार इकट्ठे होकर वापस आए, तो कैसा मतलब अंदर कैसा माहौल लगा आपको, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर करो ना। यार माहौल में बताता हूँ, ऐसे एक ना नॉर्मल घर है वो, पर काफी बड़ा घर है, जो उनके हिसाब से चलता है बिग बॉस वालों के हिसाब से, जब कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। बट एक चीज है, रियलिटी शो था, मतलब जैसे होता ना, हम जैसों के मन में होता है यार स्क्रिप्टेड होगा, स्क्रिप्टेड होगा। अब मैंने खुद रहा मैं उधर और मुझे पता लगा 0% स्क्रिप्टेड था, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, फिर कुछ उन्होंने अपने हिसाब से हमें बुलवाया, कुछ भी ऐसा नहीं था। दूसरी चीज, मुझे मैंने 10-15 दिन तो ये समझ ही नहीं आया कि साला गेम क्या है, मतलब मुझे तो ऐसा बोला था कि रियलिटी शो है, जो तुम बाहर हो वो ही अंदर रहना। तो अंदर तो मैं कई बार पूछता भी था अभिषेक से भी कि यार ये गेम क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीज करनी पड़ती है इधर जो पता लगे कि भाई गेम है। मैं तो वही कर रहा था जो मैं व्लॉग्स में करता हूँ, तुम देखते होगे, जो व्लॉग देखते होंगे, जैसा मैं बाहर जी का जी लगता है अंदर ना, तो उस चीज का काफी एडवांटेज मिल गया, शायद पब्लिक ने ज्यादा रिलेट कर लिया। मैं बस एक मिनट लूंगा। जिस भाई के लिए मैंने अपना 1 महीना दिया, जो मेरे उसमें था, करप भाई सामने है, आप तो अंदर थे, बस एक चीज बोल दो कि क्या करप भाई रैंडम सेना ने एक चरणी भी आप लोगों से लिया?
नहीं भाई, रैंडम भाई, भाई ने भाईचारे में सारा सपोर्ट किया है, जिनको लग रहा है ना कि हमने भाई से पेड पीआर या फिर पेड रख के करवाया है, ये सारा भाईचारे में काम है, यही है हमारा भाईचारा, ठीक है। ट्रॉफी भाईचारे की वजह से आई है, पैसों के बलबूते पे नहीं आई। बिल्कुल, देखो मैं काफी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को लग रहा हो कि भाई अलविशार ने बहुत पैसे फूके हैं, तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं इन चीजों पे पैसा फूकता ही नहीं, ठीक है। एक डाउट तो ये क्लियर करो। दूसरी चीजें काफी उठ के आई थी कि नेगेटिव पीआर ये वाली वो सारी चीजें, देखो हम उन लोगों में से नहीं है जो दूसरे को नीचा गिरा के खुद ऊपर उठे, हम उनमें से भाई अपनी अपने ऊपर ध्यान दो कि हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रेदर देन कि दूसरे को नीचे गिराए। और उसमें भी देखो पैसा लगता तो फिर पैसे की बात आ गई, मैं फिर कंजूस हूँ, ठीक है, उसमें भी मैं पैसा नहीं लगाता। एक क्वेश्चन था एल्विश भाई कि आलिया भट्ट ने आपके लिए बोला, यहाँ स्पेस में बताओ आपको कैसा फील हुआ था, आपका तो क्रश भी है यार। मैं उसको ना बहुत पहले से पसंद करता हूँ, मतलब जेन्युइनली, वैसे नहीं कि उसने एक्टिंग अच्छी करती है, वो मुझे पता नहीं वैसे ही पसंद है, जैसे होता है ना क्रश वाला कि ये तो पसंद है ही। और फिर मैंने बाहर निकल के देखा जब मीडिया ने बताया कि आलिया भट्ट जी ने भी आपको ऐसे ऐसे बोला, मैं तो भाई खुश हो गया, मगर ले हमारा तो वो जैसे होता ना कि क्रश होती है वो थोड़ा रिप्लाई कर देती खुश हो जाते हैं, तो वो वाली फीलिंग थी यार, मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाना।